कि कोई भी बिजनेस जिसमें मेनी पीपल टाइम, मेनी पीपल एफर्ट, मेनी पीपल मनी और मेनी पीपल का स्किल लगेगा, वहीं से हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपके टाइम से आप कितना कमा लेंगे, सिर्फ आपके एफर्ट से आप कितना कमा लेंगे, सिर्फ आपके स्किल से आप कितना कमा लेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है जहां पे बहुत सारे लोगों के टाइम, मनी, स्किल और उनके एफर्ट्स का पैसा हमको मिलता है। यही एक रास्ता है आम आदमी के लिए। अगर आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, आप में बचपन से ही आप पैदा हुए हैं एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो आप सिंगर बन सकते हैं, आप डांसर बन सकते हैं, आप एथलीट बन सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हो है तो कोई बात नहीं। लेकिन कितने परसेंट लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है कि वो गूगल के सुंदर पिचे ही बन जाए? अगर बन जाए तो अच्छी बात है, फिर बिजनेस नहीं करना चाहिए, वो बिजनेस से ज्यादा कमाते हैं टेंशन फ्री। जॉब में भी लोग आज, आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंटरनेशनल, उनके जो सीईओज हैं ना, उनकी सैलरी इतनी है सर कि बड़ी से बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री से लोग नहीं कमाते इतनी सैलरी है। इसलिए जॉब को भी आप सिरे से नहीं खारिज कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि कितने लोग गूगल के सीईओ बन जाएंगे? सीट तो एक ही है ना एक कंपनी के लिए। और आपकी क्वालिफिकेशन अगर उतनी है तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है, ना तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं, और ना आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा है, अगर आपके पूर्वजों ने बहुत बड़ा पैसा रखा है, तो जाके डाल दो फैक्ट्री उत्तराखंड में, बहुत लोग डाल रहे हैं। लेकिन अगर वो भी पॉसिबल नहीं है और फिर भी आपके अंदर कोई एम्बिशन है, अब दो रास्ते हैं, या तो कॉम्प्रोमाइज कर लो और नहीं तो कुछ बड़ा करने का सोच लो। अगर बड़ा करने का सोचा है तो इसके अलावा कोई रास्ता है तो मुझे बता दीजिए।